तो भाई फाइनली हीरो की HF डीलक्स जो है अब अपडेट हो गई है। ट्यूबलेस टायर की डिमांड थी ना, जी हाँ, इसमें अब ट्यूबलेस टायर आ गई है, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये है हीरो HF डीलक्स का सबसे लेटेस्ट मॉडल। क्या नया है, कितने की आती है, कितने वेरियंट्स आते हैं, क्या माइलेज देती है, कितने कलर आते हैं और कंपनी इस पर कितने साल की और कितने किलोमीटर तक वारंटी देती है। वैसे तो 100cc के सेगमेंट में बहुत सारी बाइक आती हैं, लेकिन इसकी तरफ क्यों जाना चाहिए, आज की इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। मैं आपको इस बाइक से संबंधित सभी सवालों के जवाब देने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल SST YouTube चैनल पर। सबसे पहले बात करते हैं इसके कलर की। ये बाइक आपको मल्टीपल कलर्स में मिल जाएगी। अभी रिसेंटली इसमें नए ग्राफिक्स अपडेट किए गए हैं, जो कि हमारे सामने हैं। काफी सही ये लग रही है। आइए अब बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस की, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और वजन की। ये मोटरसाइकिल 112 किलो की है और इस मोटरसाइकिल में ग्राउंड क्लियरेंस 168 mm का मिलता है। इसकी लंबाई है 1965 mm की, चौड़ाई है 720 mm की, ऊंचाई है 1045 mm की, व्हील बेस है 1235 mm का और इसकी सीट हाइट है 805 mm की। आइए अब इसको चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। ये है इस मोटरसाइकिल की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल, ये है इसकी प्रॉपर राइट प्रोफाइल, ये है इसकी प्रॉपर फ्रंट प्रोफाइल। पास से दिखाता हूँ इसके हेड हैंडल के डिज़ाइन को, जो कि कुछ इस तरीके के पैटर्न में है। ये देखिए हीरो का 3D में यहाँ पर लोगो मिलता है। साइड में यहाँ पर कुछ इस तरीके के पैटर्न में ग्राफिक्स मिल जाते हैं। हेडलाइट्स की अगर बात की जाए तो हैलोजन बल्ब के साथ में हेडलैम्प सेटअप मिलता है, जो कि इग्निशन के ऑन होने पर ऑन नहीं होती है। साइड टर्न इंडिकेटर की अगर बात की जाए तो ये देखिए फिक्स है, हैलोजन बल्ब के साथ में मिलते हैं। नंबर प्लेट लगाने का सेक्शन, फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए गए हैं। ये देखिए फ्रंट मडगार्ड का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, जो कि बॉडी कलर में ही मिल जाता है। यहाँ पर देखिए दोनों साइड में रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। इसमें 18 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। अलॉयज का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। सबसे बड़े अपडेट की अगर बात की जाए तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको टायर दिखा देता हूँ। ये देखिए TVS कंपनी का एक बेहतर क्वालिटी का, अब इसमें ट्यूब वाले टायर नहीं मिलते हैं, ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं। ये देखिए HF डीलक्स अब ट्यूबलेस टायर में आ गई है। इसका टायर साइज भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि है 80/118। बात करते हैं इसके ब्रेकिंग सिस्टम की। इसमें IBS मिलता है, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। फ्रंट व्हील में 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम आपको मिल जाता है। इस बाइक के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर हीरो की ब्रांडिंग मिल जाती है, स्टिकर मिल जाता है, नए वाले ग्राफिक्स मिल जाते हैं। ये देखिए सबसे बड़े अपडेट की बात की जाए तो E20 का सपोर्ट मिल जाता है और इस बाइक में 9.6 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। इस एंगल से मैं आपको इस बाइक के टैंक, हैंडल, ORVM के डिज़ाइन को दिखाता हूँ, जो कि कुछ इस तरीके का है। आइए अब इसके सभी फीचर बटन देख लेते हैं। इसके लेफ्ट हैंडल पर यहाँ पर कोई भी डेडिकेटेड पासिंग स्विच नहीं मिलता है, ना ही डेडिकेटेड है और ना ही इंटीग्रेटेड है। यहाँ पर लो बीम, हाई बीम, उसके नीचे साइड टर्न इंडिकेटर और उसके नीचे एक हॉर्न का स्विच। और इसके राइट हैंडल पर यहाँ पर डेडिकेटेड एक सेल्फ स्विच मिल जाता है। और यदि आप इसको i3S में लोगे तो यहाँ पर i3S की टेक्नोलॉजी वाला भी स्विच मिल जाएगा। सेंटर में यहाँ पर देखिए हीरो की ब्रांडिंग मिल जाती है। इस बाइक के साथ में दो चाबियाँ मिलती हैं, नॉर्मल चाबियाँ, कोई भी वेब की नहीं मिलती है। इसके मीटर का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। ये देखिए, आइए फटाफट से इंसर्ट करता हूँ। इग्निशन के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। इस बाइक में फुली एनालॉग मीटर मिलता है। लेफ्ट साइड में स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, साइड स्टैंड इंडिकेटर मिलता है। राइट साइड में फील्ड गेज मिलता है, न्यूट्रल इंडिकेटर, चेक इंजन इंडिकेटर और यहाँ पर एक हाई बीम इंडिकेटर मिल जाता है। इसमें क्रैश गार्ड भी मिलता है, सिंगल हॉर्न मिलता है। देखते हैं कितना लाउड है, ठीक ठाक लाउड है। यहाँ पर देखिए पावर स्टार्ट को मेंशन किया है, प्रोग्राम्ड FI इसमें मिलता है। आइए वहाँ की बात कर लेते हैं जहाँ से इस बाइक की परफॉर्मेंस निकल कर आती है, जी हाँ, इसके इंजन की। इस बाइक में कंपनी ने 97.2 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड PS6 फेज 2 वाला FI 4-stroke 2-valve हीरो कंपनी का कम्यूटर सेगमेंट में एक बेहतर क्वालिटी का इंजन दिया है। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 7.91 bhp की 8000 rpm पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 8.05 Nm का 6000 rpm पर। इसके इंजन से काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है, पावर भी सही है, टॉर्क भी सही है और इसी के साथ साथ ये बाइक माइलेज भी काफी अच्छा देती है। माइलेज के बारे में आपको प्रॉपर आगे बताऊंगा। इस बाइक में 4 गियर मिलते हैं, सभी के सभी पीछे लगते हैं। इसकी मुझे एक चीज काफी सही लगती है, राइडर फुट पर देखिए ऑटो अनफोल्ड के साथ में आता है, जो कि काफी अच्छी बात है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर मिल जाता है।
सेंट्रल स्टैंड भी मिलता है। साइड पैनल का पैटर्न को जिस तरीके का है, नए वाले ग्राफिक्स मिल जाते हैं। HF डीलक्स को यहाँ पर मेंशन किया है। इसकी सीट का पैटर्न को जिस तरीके का है ये देखिए, इसकी सीट जो है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, सॉफ्ट भी है, चौड़ी भी है, लंबी भी है। और इसके ग्रेविल का पैटर्न को जिस तरीके का है, जो कि सॉलिड मेटल का मिल जाता है। सीट कॉल भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए नए वाले ग्राफिक्स मिल जाते हैं। आइए बात करते हैं इसके रियर सस्पेंशन की। रियर में कंपनी ने मल्टी स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिए हैं। लेडी फुट पैड, साड़ी गार्ड मिलता है, पिलियन फुट पैड। आइए देखते हैं इसका चेन सेट कवर कैसा है, फाइबर का मिलता है भाई। आइए बात कर लेते हैं इसके रियर टायर की। रियर में भी TVS कंपनी का ही बेहतर क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर। और ये देखिए टायर साइज 80/118। मैं आपको दिखा देता हूँ, ट्यूबलेस टायर लिखा हुआ भी है और यहाँ से आप इसकी पहचान कर सकते हैं, ये देखो। क्योंकि अब ये बाइक जो है अपडेट हो गई है, रियर टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की मिल जाती हैं। ये है इस बाइक की रियर प्रोफाइल, ये देखिए। यहाँ पर हीरो का स्टिकर मिल जाता है, हेलोजन बल्ब के साथ में। यहाँ पर ब्रेक लाइट, टेल लाइट मिल जाती है। साइड टर्न इंडिकेटर हेलोजन बल्ब के साथ में नॉन फ्लेक्सिबल है। नंबर प्लेट लगाने का सेक्शन, यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर मिल जाता है। टेल लाइट ही नंबर प्लेट लाइट का भी काम कर देती है। बात करते हैं इसके रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, इसमें IBS मिलता है, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। जब भी आप पीछे वाला ब्रेक अप्लाई करते हो तो ऑटोमेटिकली आगे वाला लगता है। रियर व्हील में भी कंपनी ने 130mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम लगाकर दिया है। इस बाइक के एग्जॉस्ट का पैटर्न को जिस तरीके का है ये देखिए। इस पर सिंगल मफलर मिलता है जो कि क्रोम में है, काफ़ी सही इस पर लग रहा है। यहाँ पर देखिए रियर ब्रेक लीवर, एडिशनल यहाँ पर मफलर मिल जाता है। और इस बाइक में किक स्टार्ट का भी फीचर मिलता है। यहाँ पर देखिए एक यूटिलिटी बॉक्स मिलता है, पावर स्टार्ट को मेंशन किया है, प्रोग्राम्ड FI को मेंशन किया है। आइए बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं और इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुन लेते हैं। सिंगल अटेम्प्ट में ये बाइक स्टार्ट हो जाती है और बाइक स्टार्ट होते ही इसकी हेडलाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, ये देखिए। इसका लो बीम हाई बीम भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। और बाइक स्टार्ट होते ही इसकी टेल लाइट भी ऑन होती है, इग्निशन के ऑन होने पर ऑन नहीं होती है, ये देखिए। अब आप इस बाइक के इंजन का साउंड सुनिए और इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुनिए। नॉर्मल साउंड, थ्रॉटल देता हूं, कोई भी यहां पर इंजन किल स्विच नहीं मिलता है, यहां से ही बंद होगी। आइए बात कर लेते हैं इसकी प्राइस, माइलेज, वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। गाइस, हीरो कंपनी अपनी इस नई बाइक पर 5 साल की स्टैंडर्ड वारंटी देती है, जो कि इस सेगमेंट में काफी ज्यादा है। बात कर लेते हैं माइलेज की। आप इस बाइक से 70-80 के बीच में माइलेज निकाल सकती हो, फिर वो आपकी राइडिंग पर डिपेंड करता है और आपकी बाइक की कंडीशन पर डिपेंड करता है। आइए बात कर लेते हैं इसके सभी वेरियंट्स की और उनकी प्राइस की। ये बाइक आपको मल्टीपल वेरियंट्स में मिल जाती है। ये किक में भी आती है, सेल्फ में भी आती है और i3S के साथ में भी आती है। इसकी एक्स शोरूम स्टार्टिंग होती है, जो बाइक मैंने आपको दिखाई है, लगभग 67,000 रुपए से, और ये बाइक ऑन रोड लगभग आपको 80,000 यानी कि 80,000 रुपए के आसपास मिल जाएगी। प्राइस का आप केवल रफ आइडिया ही माने, हर स्टेट की, हर डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग होती है, प्लस माइनस 2-3 हजार रुपए लेकर चल सकते हो। आइए बात कर लेते हैं इसके प्रोज एंड कॉन की। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्रोज की। गाइस, इस बाइक से काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है और ये बाइक जो है ना तो ज्यादा हल्की है और ना ही ज्यादा भारी है। सीट हाइट भी इसमें काफी ठीक ठाक मिल जाती है, जिसकी हाइट कम है, ये बाइक उनके लिए भी बेहतर है। आइए अब बात कर लेते हैं इसके कॉन की। कॉन की अगर बात की जाए तो भाई, अब मुझे इसमें कुछ भी खास कॉन नहीं लग रहे हैं, क्योंकि अब कंपनी ने इसमें ट्यूबलेस टायर भी दे दिए हैं। अब आप मुझे बताइए ये बाइक आपको कैसी लगी, और यदि आपके साथ में इसका कोई भी पुराना एक्सपीरियंस रहा है तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे फाइनल वर्डिक्ट की अगर बात की जाए तो भाई, ये बाइक जो है कम्यूटर सेगमेंट में बेस्ट बाइक है। इसकी मैं राइड वीडियो बहुत ही जल्द लेकर आने वाला हूं, उस वीडियो को देखने के लिए आप टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेक्निकल SST इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। यदि आप इस वीडियो को काफी लेट देख रहे हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मेरे फाइनल वर्डिक्ट की अगर बात की जाए, जो भी फीचर्स मैंने आपको बताए उसके अकॉर्डिंग ये बाइक मैं आपको 100% रिकमेंड करता हूँ। तो दोस्तों, बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल या फिर कोई भी सुझाव हो कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंपॉर्टेंट वीडियोस, जी हाँ भाई, इंपॉर्टेंट वीडियो समय समय पर लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।